हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही के यूट्यूब चैनल पे डिक्शन राजा में। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बैजूस आसाम T20 के जो मुकाबले खेले जाएंगे SBC वर्सेस BRB के बीच में, उसको लेके दोस्तों हम लोग कंप्लीट बात कर लेंगे। फाइनली हम लोग आसाम T20 जो है आज से कवर करना स्टार्ट कर दिए और मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट हम लोग का जो चल रहा है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लान के लेके सबसे पहले बात करूं तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनी GL टारगेट कीजिए, स्मॉल लीग में थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे फेवरेट टीम की बात कर लें, कौन सी टीम यहाँ पे विनिंग चांसेस की दावेदारी सबसे पहले पेश करती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे SBC का जो टीम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और ये जो है इसके विनिंग चांसेस तकरीबन 70% के आसपास है। वहीं दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र बॉयज की बात कर लेना तो यहाँ से इसकी विनिंग चांसेस तकरीबन 30% के आसपास है। थोड़ा बहुत जो है रेन चांस भी है, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम क्लियर है तो मुझे लगता नहीं है कि इस मैच में रेन का दखलंदाजी होना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं लास्ट का मैच दोनों टीम का, फिर हम देख लेंगे अपना ड्रीम इलेवन का टीम और क्रेडिट का कोई इशू नहीं है। जो अपना ड्रीम इलेवन का टीम होगा वही सारी एप्लीकेशन पर रहने वाला है। टाइम बहुत ही कम है दोस्तों, भी समझो कि 1-2 घंटा से भी कम है टाइम, तो अब भी आप लोग फटाफट लाइक कर दो। उसके बावजूद अगर वीडियो दे रहा हूँ 2 घंटा से कम में तो मुझे पता है दोस्तों व्यूज़ गिरेंगे, लेकिन आप लोगों का इसका बेनिफिट अच्छा खासा मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं SBC टीम का स्कोरबोर्ड, जो मुझे इस मैच में थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। तो SBC पहले मैच में क्या किया था ना, इसने भाई साहब 6-4 विकेट से मैच को जीत लिया था। जहाँ पे बॉलिंग की बात कर लेंगे तो सुनील लालजीत 2 ओवर 14 रन 0 विकेट, शेखर वर्मन ने 4 ओवर 27 रन देकर 1 विकेट लिया हुआ था, निखिल डोले डेथ स्पेशलिस्ट गेंदबाज 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, राज अग्रवाल 2 ओवर 10 रन 0 विकेट। मुझे समझ नहीं आता कि राज को फिर से गेंदबाजी इस मैच में क्यों नहीं मिली। राज का ये स्पेल कट को सुनील लालजीत को दिया हुआ था स्पेल, फिर विक्रम रावत 4 में 34 रन 0 विकेट, सिद्धार्थ शर्मा 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। बात करेंगे डेथ गेंदबाजी की तो निखिल डोले और विक्रम रावत आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। विक्रम रावत के ऊपर दोस्तों आप लोग स्टार लगा लो, मार्की प्लेयर हैं, हो सकता है कि मेरी टीम में आपको कैप्टनसी भी विक्रम रावत करते हुए दिखाई दे जाएं। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे यहाँ से बल्लेबाजी में, तो शुभम मंडल ने किए हुए थे जो 0 रन, मनस गोगई 0, इसके अलावा S वर्मा 9 रन, साहिल जैन और कुणाल साई का दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्टार लगा लीजिए बहुत काम आने वाला है। विक्रम रावत ने किए थे 5, राज अग्रवाल 1, हारिटर बल्लेबाज जो है जहाँ है साथ में आपको 4 ओवर का पोटेंशियल रखता है। मालूम नहीं कि पिछले मैच में इसने ओवर क्यों कम किए। उसके अलावा निखिल डोले ने 2 रन किए हुए थे। अब आइए हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सामने जो टीम खेलेगा ब्रह्मपुत्र बॉयज, उसको लेके पिछले मैच में देखिए दोस्तों वैसे भी ब्रह्मपुत्र बॉयज का मनोबल कम होगा, जहां पे BHB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगा दिया था 102 रन 16 ओवर में, बारिश की वजह से मैच शॉर्ट हुई थी। अब उसको चेस नहीं कर पाई थी टीम, 101 पे सिमट गई थी, जबकि ऋषभ उदास ने टॉप तर्रार स्टार्ट दिया हुआ था। बात करेंगे यहाँ से गेंदबाजी में तो मुख्तार हुसैन ने 3 ओवर 10 रन 2 विकेट लिए थे, चाणक्य शर्मा 3 ओवर 22 रन 0 विकेट, पुष्पराज 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, विप्लव साई का स्टार्ट लगा लो भाई सब ओपनिंग कर रहे हैं, प्लस 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 ओवर 9 रन 1 विकेट, नीलपटाल दास 3 ओवर 20 रन 2 विकेट, जो कि पहले मैच में भाई साहब 1 भी ओवर नहीं डाले थे, इस मैच में इसने 3 ओवर लगभग डाल दिए थे और 4th ओवर भी डालते, ये भी कंफर्मेशन था। अब विप्लव साई का क्या है ना कि वो इस टीम का प्लेयर है जो थोड़ी सी मुझे वीक दिख रही है, लेकिन ये ओपनर बल्लेबाज है और साथ में आपको 4 ओवर तक का गेंदबाजी निकाल के दे सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि साई का आपके लिए कैप्टन कितना बेहतर हो सकता है। दुनिया का कैप्टन है इस मैच में विप्लव साई का, इस बात को याद रखिएगा। बात करेंगे बल्लेबाजी में तो साई का ने किए थे 5, ऋषभ दास ने किए थे 58, यहाँ से बात कर लेंगे सौरभ शाह ने 9 रन किए हुए थे, नीलपटाल दास 5, विशाल कुमार राय 4 और यहाँ से डेका ने 10 किए थे, चाणक्य शर्मा ने यहाँ से 4 किए हुए थे। बात करेंगे अगर डेथ गेंदबाजी की तो डेथ में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे मुख्तार हुसैन, साथ निभाते हुए नजर आ जाएंगे आप लोग मोस्ट प्रोबेबली विप्लव साई का। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अपना ड्रीम इलेवन का टीम। विकेट कीपर सेक्शन में बात कर लेंगे, आपके पास मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एस कुमार शाह और आपको दिख जाएंगे एम गोगई। मैं जाऊंगा यहाँ से फिलहाल एक के सायका के साथ, अगर आप कुछ अलग करना चाहो तो एम गोगई के साथ भी जा सकते हो, लेकिन सायका के साथ जाने का एक और बेनिफिट मुझे दिख रहा है, ये विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे और SBC का कैप्टन भी है। दोस्तों कैप्टन है इसका मतलब है कि इसके पास हुनर अच्छा खासा होगा, तभी टीम का कैप्टनसी कर रहा है। आप लोग बैटिंग में SBC का S ब्रह्मा को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मैं जाऊंगा यहाँ से फिलहाल पिक होगा ऋषभ दास, इसके अलावा S जैन हाईली टैलेंटेड प्लेयर, डोमेस्टिक में इसका स्टेटस बहुत ही लाजवाब है और इस ये जो है लास्ट के 4 मैच में 2.50 करके आ रहा है, तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद नीलपटाल दास को मैंने ट्राई किए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से S जैन के जगह पे S ब्रह्मा को ट्राई कर सकते हो, बट इसका स्टेट्स मुझे बहुत लाजवाब नहीं लगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी को ट्राई करना चाहो तो BRoy को मिनी GL में जगह दीजिएगा, S शाह को आप लोग मिनी GL और GL में जगह दीजिएगा, जो कि आपको बल्लेबाजी में भले ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते नजर आ जाए, जो कि आपको डोमेस्टिक में 1-2 ओवर की गेंदबाजी करते थे,
इससे पहले वाले टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गेंदबाजी ये करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वन डाउन के बल्लेबाज हैं तो हाईली टैलेंटेड बल्लेबाज होंगे ही, क्योंकि मैं दोस्त आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, जो भी टूर्नामेंट हो, जो बल्लेबाज वन डाउन बैटिंग करने के लिए आ रहा है किसी भी टीम से, उसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होगी, तभी वो वन डाउन बैटिंग करने के लिए आ रहा है। बात करेंगे ऑलराउंडर में, तो मैंने ट्राई किया एस बर्मन को, इसका वी रावत जो कि मेरे मार्की पिक रहने वाले हैं, मैं इसको कैप्टनसी और बीसी में भी रखने वाला हूँ। इसके बाद मैंने ट्राई किया यहाँ से बी साइका को, और आप चाहो तो आर अग्रवाल को ट्राई कर सकते हो, मेरी टीम में फिलहाल फिट नहीं बैठ रहे हैं। बात करेंगे यहाँ से अगर किसी और प्लेयर को ट्राई करना चाहो तो सी शर्मा को मिनी जीएलजीएल में जगह दीजिए, जी डेका को भी मिनी जीएलजीएल में जगह दीजिए। इसके अलावा कुणाल दास को लेके मेरे पास, कृष्णा दास को लेके मेरे पास कोई अभी स्टेट्स निकला नहीं है, अगर ये खेलता है तो मैं आप लोग को स्टेट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो को जाइए कमेंट सेक्शन में, सबसे टॉप कमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। बात करेंगे बॉलिंग में, तो मैंने एम हुसैन को ट्राई किया है, इसके अलावा मैंने एम डोले को ट्राई किए हैं, साथ में मैंने पुष्पराज शर्मा को ट्राई किए हैं, और लास्ट पिक मेरे बन जाएंगे से सिद्धार्थ शर्मा। टीम प्रीव्यू की बात करें तो मैंने विकेट कीपर सेक्शन में ट्राई किए के सैगा को, फिर आरदास, नीलोपटाल दास, एस जैन, बी साइका, एस बर्मन, वी रावत, एम हुसैन, पी शर्मा, एम डोले और एस शर्मा को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। कैप्टन वीसी की बात कर लें, उससे पहले दोस्तों आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। दोस्तों आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपके सामने दिख जाएगा यहाँ पे सब्सक्राइब और यहाँ पे लाइक, तो पहले दोस्तों आप लोगों को जो है सब्सक्राइब कर लेने हैं। जैसे ही दोस्तों आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करोगे ना आपके सामने बेल आइकन दिखेगी, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को ऑल कर लेने हैं। ये काम आप लोग उम्मीद करते हैं कि कर लिए होगे, नहीं किए हो तो अभी दोस्तों कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जितना पहले वीडियो देखोगे उतना पहले आप कंटेस्ट ज्वाइन करोगे, जितना पहले कंटेस्ट ज्वाइन करोगे उतना आपको अपोनेंट कमजोर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करेंगे लाइक वाले सेक्शन की, तो दोस्तों लाइक वाले सेक्शन पे क्लिक कर दो, ये दो काम करने में आपका 10 सेकंड नहीं जाने वाला है, लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से आपका भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो ये दो काम आप लोग जरूर कर दीजिए अपने भाई के लिए। देन आफ्टर दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिए कमेंट सेक्शन में, इसके बाद आप लोगों को यहां पे दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक सबसे टॉप में, टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और लास्ट के 5 या 7 मिनट में मैं अपना कैप्टन वीसीबी मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर पोस्ट करते हुए दिखाई दे जाऊंगा, तो यहीं पर दोस्तों आप लोगों को जाकर कैप्टन वीसीबी रीड कर लेने हैं, तो अभी आप लोग जाइए इसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को क्लिक करना है टाइटल के ऊपर, जब टाइटल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग आ जाओगे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपको वही 7 एप्लीकेशन दिख जाएंगे जहां पे मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनमें से दोस्तों अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास लूडो का नॉलेज अच्छा खासा, आप लूडो खेलना जानते हो तो हेलो लूडो ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों लूडो भी खेलना स्टार्ट कर दीजिए, दिन का 1000-2000 यहाँ से भी आप कमा लीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। साथ में अगर आप मुझसे किसी भी तरह का फैंटेसी टिप्स चाहते हो, फैंटेसी के नॉलेज गेन करना चाहते हो आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहीं पर मैं आपको जो है मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों आपको जो भी फैंटेसी टिप्स नॉलेज चाहिए वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे ले सकते हो, लेकिन फॉलो किए रहोगे तभी मैं आपको शायद रिप्लाई कर पाऊंगा। अब आइए दोस्तों लोग फाइनली बात कर लेते हैं कैप्टन वीसी का। तो दोस्तों अगर आपको बिल्कुल सेफ कैप्टन जाना हो कि भाई दुनिया जिसके साथ जा रहा है उसी के साथ मुझे जाना है, तो बी साइका को आप आंख बंद करके कैप्टन दे सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर परसेंटेज देख लो भाई, यहाँ पर परसेंटेज देखो कि बी साइका कैप्टनसी के 48% के आसपास लोगों ने कैप्टन दिया हुआ है, और इसके लायक है भी, क्योंकि आप सोचो कि यहाँ से कोई बल्लेबाज अगर ओपन कर रहा है ठीक है, और साथ में आपको 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको कैप्टन देना चाहोगे, दीजिए। लेकिन दोस्तों मैं कर रहा हूँ कुछ अलग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से वी रावत कैप्टनसी देके, जिसका सिलेक्शन रेट तो बिल्कुल कम है, कैप्टनसी का तो बात ही छोड़ दो, मैं इस वजह से वी रावत को कैप्टनसी दे रहा हूं, और ये नहीं मैं बस सिलेक्शन देख के कैप्टनसी दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों को प्रॉपर रीजन बताया कि आपको ये 18-20 ओवर बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, 5 से 10 ओवर बैटिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं, और साथ में ये आपको लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, तीनों क्राइटेरिया इनको फॉलो करता है, इस वजह से मैंने वी रावत को कैप्टनसी दिया हुआ है। अब देखो दुनिया का जो कैप्टन है बी साइका और वीसी है एम हुसैन, लेकिन दोस्तों ये टीम मुझे थोड़ा सा कमजोर दिख रही है, इस वजह से मैंने बीआरबी के कैप्टन वीसी ट्राई नहीं किए, मैंने यहाँ से वीसी दिया एम डोले को जिसका कैप्टनसी वीसी भी, सिलेक्शन रेट बहुत कम है। इस टीम को दोस्तों फिलहाल मैं सेव कर लेता हूं, मैं जिस भी ऐप पे खेलूंगा मैं इसी टीम के साथ खेलूंगा, इसमें से जो भी चेंजेस होंगे उसका अपडेट्स मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में दे दूंगा, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, या फिर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो @PredRaja123। जी हाँ दोस्तों स्पेलिंग देख लेना, यही आप लोग एक्जैक्टली सर्च करना, जैसे आप ये सर्च करोगे आपको एक चैनल दिख जाएगा 72,000 सब्सक्राइबर वाले, उसी में आप लोग को जुड़ना है, इसके अलावा आप लोग को कहीं और नहीं जुड़ना है, सभी फेक चैनल है, फेक चैनल से ज्वाइन हो जाओगे आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। और एक बात, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, तो पेड अगर मेरे नाम से कोई मांगता है तो उसको 2-3 ब्रांडेड वाली आप लोग दे सकते हो, मालूम ही होगा क्या, उसके
बाद दोस्तों वहाँ से निकल जाना आप लोगों को, ठीक है। मेरा कोई पेड चैनल नहीं, तो पेड चैनल के नाम पे आप मेरा बहुत मार्केटिंग चल रहा है कि भाई मैं प्रेडिक्शन राजा बोल रहा हूँ, जीएल जितवा दूंगा, तो वो सब बातें मैं आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग मेरे मेन चैनल पर क्लिक करोगे ना 72,000 वाले चैनल पर, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक ज्वाइन वाला सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना। बाकी सबसे ऊपर देखना आप लोग पिन मैसेज मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, वही 7 एप्लीकेशन दिख जाएगा आप लोग को। जब पिन मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो 7 एप्लीकेशन दिख जाएगा जहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे भी मैंने लूडो ऐप का लिंक दे रखा है, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो भी फिनटेसी ऐप आपके पास नहीं है आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको मालूम दिख जाएगा कि ये एप्लीकेशन सब यूनिक एंड बेस्ट क्यों है। साथ में मैंने एक्सचेंज 22 का डिटेल्स वीडियो भी दे रखा है, इसको भी आप लोग जाके देख सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किस बात की देरी है भाई, अब भी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए।